सारे बैठे हुए थे और ऐसे मजे से खा रहे थे। तो ये आ गया जी हमारा पार्सल, करते हैं इसको अनबॉक्स, देखते हैं कि कैसा रिसीव होगा हमें ये। गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो की शुरुआत हो रही है 1:30 बजे के करीब से, मतलब 1:30 बजे का टाइम हो रहा है। अभी अभी जस्ट मैं आई हूँ स्कूल से और आते ही मैं लग गई हूँ गर्मा गर्म चाय बनाने। गर्मा गर्म चाय पीते हैं कड़क वाली। आज मौसम काफ़ी अच्छा था। आने के बाद मैंने सबसे पहले क्या किया, जितने भी मैंने कपड़े सुखाए थे, कल के सूखने के लिए डाले थे, सब मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं, क्योंकि मुझे बिखरे हुए कपड़े वैसे ही पसंद नहीं है। तो चाय बना रही हूँ मैं, सबसे पहले चाय वाय बना देते हैं और उसके बाद खाना वाना खाएंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे। आज है सैटरडे और सैटरडे रहता तो क्या है सैटरडे को, मतलब अच्छा लगता है। पहले इसको टिका देती हूँ जरा। तो आज है सैटरडे और सैटरडे को खुशी की बात क्या होती है कि एक अर्जित के पापा भी आते हैं, तो अच्छा सा लगता है, परिवार भरा पूरा रहता है हमारा। दूसरी बात यह है कि नेक्स्ट डे चिल, आराम से सो के उठते हैं हम बिना ट्राईपोड के। मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो गई है, लेकिन मेरा ट्राईपोड आ चुका है, वो शाम को मुझे रिसीव होगा। जो पार्सल वाले भैया हैं उनका फोन आया था, शाम तक मतलब 3-4 बजे तक मुझे मिल जाएगा। तो मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मेरा ट्राईपोड कैसा आया है। तो फिलहाल बना देते हैं हम चाय, साथ में बुलाती हूँ संदीपा को। और यहाँ लेकर आई हूँ मैं कुछ फ्रूट्स, पपाया लेकर आई हूँ मैं आज। मेरे घर में पपाया मेरे अलावा कोई नहीं खाता, और मुझे भी पसंद तो है नहीं पपाया, लेकिन ये हेल्दी होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है, स्टमक के लिए अच्छा होता है, मैं इसीलिए खाती हूँ उसको। और केले भी लेकर आई, दो तो मैं स्कूल में ही खा गई थी बनाना, भूख लगी थी मुझे। तो वैसे तो आज पूर्णमासी का व्रत करना था मैंने, लेकिन किसी वजह से मैं कर नहीं पाई। तो फिलहाल इसे यहाँ रख देते हैं और चाय वाय पीते हैं, इंजॉय। आज मौसम बहुत अच्छा है, अभी हवा चलनी स्टार्ट हो गई है, वही यहाँ पे चाहे 10 दिन बारिश लगातार आए, चाहे 20 दिन बारिश आए, एक ही धूप में पूरा सूख जाता है। मतलब बाकी का एरिया जहाँ तो थोड़ा डंप जैसा होता है ना, वहाँ तो पानी भरा रहता है, वहाँ नहीं सूखता, बाकी जगह पे एकदम ड्राई हो गया है। हवा चलेगी तो पूरी रेत उड़ उड़ के कपड़ों में जाएगी, विंडो से आएगी, विंडो मैंने बंद कर दी, डोर भी मेरा बंद ही रहता है लगभग, सो नहीं पाएगी। फिर चाय वाय पियेंगे, फिर मजे से गप्पे शप्पे लड़ाएंगे, स्टिचिंग करने का मन करेगा तो करूँगी, नहीं तो नहीं। चाय पीने के बाद सबसे पहले मैं मेडिसिन लूँगी और आँख वाली भी डाल दूँगी। सुबह तो डाल के गई थी, अभी लंच टाइम वाली, मतलब 3 टाइम बोला ना डालने को, अभी भी डालूँगी, फिर रात को भी डालूँगी। तो चलिए बस ऐसा ही था आज का दिन। बड़े बड़े कोई यहाँ नज़र आ रहा है, ये तो कोई यहाँ नज़र आ रहा है, विजिबिलिटी है नहीं उतनी, बाकी तो निकाल दिए हैं। ओहो ब्लैक टी शर्ट, मैं प्लम ढूंढ रही थी, मैंने कहा दिख रहा है कहीं, वहाँ दिख रहा है, देखो वहाँ दिख रहा है एक ब्लैक ब्लैक सा, विवा को चढ़ाना पड़ेगा ये, देखो सच में दिख रहा है यार, यहाँ से दिख रहा है, देखो यहाँ दिख रहा है, विवा को चढ़ाना पड़ेगा, यही प्लम खाने के लिए, यहाँ पर भी है। नहीं आंटी के पेड़ में भी जाएंगे ना एक दिन, है ना। तो चलते हैं अंदर, पीते हैं गर्मा गर्म चाय, देखती हूँ जरा मैं उबली कि नहीं उबली है। आंटी अभी तक इसमें उबाल ही नहीं आया, तब तक बैठते हैं, जेली खाओ, खाओ जेली खाओ, इंजॉय करो अपनी जेली को। हेलो चलो हर्ष, क्या ये बंद क्यों किया था ऐसी, आपको प्रैंक करने के लिए। ये कोई प्रैंक करने का तरीका है। तो 3:15 का टाइम हो रहा है, इधर हर्षित भी आ गया है और हम खा रहे हैं अपना टेस्टी वाला पुलाव विद सॉस एंड खीरा। ये क्या तरीका है, टेस्टी था पुलाव आज मैंने हर्षित को, ठंडा था तो स्कूल के लिए तो ठंडा हो जाता है, और क्या करना, कोई बात नहीं। तो चलिए जी हम भी खा लेते हैं ज़रा खाना वाना। तो अभी अभी जस्ट कुरियर वाले भाई साहब का मुझे फ़ोन आया था, हर्षित को भेजा मैंने पार्सल लेने के लिए। तो अब देखेंगे और ओपन करेंगे आपके सामने ही कि कैसा ट्राईपॉड रिसीव हुआ है मुझे। अभी तक हर्षित आया नहीं है, भैया ने तो 5-6 बजे के लिए कहा था, 3-4 बजे के लिए कहा था उन्होंने, पर टाइम से आ गया आज पहली बार, बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है मुझे अपने ट्राईपॉड का। और इस वाले पेड़ में देखो, यहाँ देखिए बंदर आराम से खा रहे हैं पलम, इतने टेस्टी मीठे मीठे पलम, वो देखो क्या मज़े से खा रहे हैं। ये देखो ये थोड़ा ऊंचा है और यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, वरना इनसे पहले हम ही खा लेते। और इस वक्त इतना टेस्टी है ना ये पलम, बहुत ही मज़ेदार है, और देखो कैसे मज़े से बैठ के खा रहे, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है।
मत देखना तू, हे भगवान, यहाँ तो चारों तरफ बंदर ही बंदर है भाई आज आए हुए। उस वाले पेड़ में ना इतने सारे मीठे मीठे पलम है, इतना भारी तो है भी नहीं जितनी ओवर एक्टिंग कर रहा था। चल कोई ना, ठीक है आ जा। तो बंदर चारों तरफ है आज, ये पता क्या है, पलम पक गया ना बहुत ज्यादा, यहाँ वाले साथ वाले पेड़ में पता कितने सारे बैठे हुए थे और ऐसे मजे से खा रहे थे। तो ये आ गया जी हमारा पार्सल, करते हैं इसको अनबॉक्स, देखते हैं कि कैसा रिसीव होगा हमें ये ट्राइपॉड। काफ़ी दिनों से मुझे इंतज़ार हो रहा था लेकिन जल्दी भी आ गया था, मैंने मंगवाया ही एक्चुअली बहुत लेट ही है। तो मस्त पार्सल मुझे रिसीव हो चुका है, अब करते हैं इसको अनबॉक्स और दिखाते हैं आपको कि कितना अच्छा। और ये है SYVO साइवो का है S1000 प्रो ट्राइपॉड विद मोबाइल होल्डर, यहाँ पर कुछ चलिए दिखाते हैं आपको GoPro। वाओ, तो ये हमने अनबॉक्स कर दिया है, ये देखिए कितना लंबा है, मम्मा की हाइट जितनी है, मतलब मेरी हाइट की जितना है ये देखो। अब आएगा मजा वीडियो बनाने में। और इसकी जो रॉड्स है ना काफी सॉलिड हैं, और इसके बैक कैमरे से एक बार प्रॉपर आपको फीचर्स बता देती हूँ। तो ये देखिए रॉड्स काफी इसकी सॉलिड्स हैं और तीन सेक्शन है इसके, एक यहाँ और एक यहाँ, और तीनों जगह पे इसके लॉक लगे हैं काफी अच्छे से, जिसके ग्रिप इसकी काफी अच्छी रहेगी। और ये देखिए सेंटर हुक भी है कुछ सामान होल्ड करने के लिए, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें हैंडल भी है और ये लॉक है, और ये देखिए यहाँ पर भी है इसका अप डाउन करने के लिए, और ये लीवर है, आप मोबाइल को अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, सॉलिड है एकदम, इतना अच्छा और इतना सॉलिड ट्राइपॉड मैंने फर्स्ट टाइम लिया है, मैं सच्ची बताऊं। और भी इसमें बहुत कुछ है, इधर कुछ दिख रहा है जैसे जैसे पता चलता जाएगा, बाकी तो अच्छा ही। देखिए साइवो SYVO साइवो S1000 करके, और काफी लंबा है, आप देख सकते हैं कितना लंबा है, देखो मेरी हाइट जितना ही है, ये लगभग लगभग मेरी हाइट जितना है। मजा आएगा अब तो वीडियो शूट करने में, वरना हमें ना बहुत दिक्कत होती थी वीडियो शूट करने में, कहीं और कहीं मुझे मोबाइल को टिकाना पड़ता था, कभी यहाँ कभी वहाँ। और इसके साथ पैकेजिंग कुछ ऐसी थी कि गत्ते का ये डब्बा था, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, जरा आपको इजी हो जाएगा अगर आपको भी इसे मंगवाना हो। इस टाइप का डब्बा था, और उसके साथ ये काफी सुंदर सा बैग मिला है, बढ़िया सा चेन वाला बैग मिला है, अगर कहीं लेके जाना हो ना सफर में, कहीं जाना हो हमें तो इसके अंदर इसको आराम से पैक कर सकते हैं। और पॉलीथीन के अंदर पैकिंग थी, वो पॉलीथीन भी है, देखिए वहाँ रखा है मैंने। और ये माउंट इसके साथ मिला है, मोबाइल होल्डर मिला है, सबसे अच्छी बात है कि ये सॉलिड बहुत है, इसकी जो रॉड्स है ना यही मुझे सबसे अच्छी लगी, इसको आराम से कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो बनाने का मेरा बड़ा मन होता है, और शॉर्ट वीडियो के लिए बहुत कारगर, और किचन के लिए सबसे ज्यादा, किचन में मैं वीडियो बना ही नहीं पाती थी, या तो मुझे हर्षित की हेल्प लेनी पड़ती थी या फिर कुछ भी नहीं। अब इसका क्या, इसका पता नहीं क्या यूज है ये वाले का, देखना पड़ेगा बाकी वीडियो में। लीवर देखो इसका कितना मस्त है, और प्रोफेशनल है ये, मैं आपको बताऊँ प्रोफेशनल जो होते हैं ना ब्लॉगर लोग या कोई कैमरामैन वगैरह, उनके लिए है ये मस्त एकदम, यहाँ से ऐसे नहीं हो रहा है, देखो यहाँ से ऐसे, इसको कहीं भी रोटेट कर सकते हैं, इधर उधर कहीं भी कर सकते हैं इसको रोटेट, और यहाँ से इसको टाइट भी करने के लिए भी है, देखिए बटन दिया, ये 360 डिग्री रोटेशन है इसका, और यहाँ पे पता नहीं इसमें ग्रीन ग्रीन सा कुछ है इधर, ये वाला कुछ था ना, ये जो भी है ये एक तरीके का टाइप का हैंडल है ये, इससे मतलब और भी ऊपर जा सकता है ये, जैसे शीशों में ना था गाड़ियों के शीशों में वैसा, ये और भी ऊपर करने के लिए है, हाँ क्योंकि ये एडजस्ट हो, ये मतलब फंसेगा ना इसमें। वाओ, अब तो ये मेरे से भी लंबा जा रहा है, ये तो मेरे तक पहुंच गया, ओह माय गॉड मस्त। तो मजा आ गया, पैसा खर्च, वारंटी कार्ड है, कैशबैक 100 रुपीज का, पॉलिथिन को फेंक दे, किचन में रख दे फिलहाल, तो मत कर काम आता है बेटा ये, मत कर अशु काम आता है ये। और इसके साथ मुझे 100% कैशबैक भी मिला है, और इसका देखते हैं क्या करते हैं, कुछ व्हाट्सएप पे कुछ नंबर करना है कुछ सेंड, तो हम बाद में करेंगे। कभी कभी ना मतलब थोड़े से ज्यादा कॉस्टली अगर चीज ले लेते हैं
तो बिल्कुल भी दुख नहीं होता है। ये देखो ये है हमारे के लिए। ऐसे ही मैंने हेयर स्ट्रेटनर लिया था। हाँ हेयर स्ट्रेटनर लिया था मैंने बहुत पहले, एक वो स्काई लाइन टाइप कुछ था, मतलब ब्रांड का नाम, वो 700 की रेंज का था। और एक तो उसकी तारें भी क्रैक हो गई थी और वो जल्दी ख़राब हो गया था और उतने अच्छे से मतलब करता नहीं था, प्रोफेशनल सा था नहीं। उसके बाद मैंने फिलिप्स का मंगवाया था अमेजोन से 2500 रुपये का, 2500 यस, उसमें 50 रुपये का डिस्काउंट मिला था मुझे। एक्चुअली 2550 का था लेकिन मुझे 2500 का वो मिला था। इतनी अमेजिंग चीज़ है ना, ब्रांडेड चीज़ें और थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं बेशक, लेकिन बहुत सॉलिड और ज़बरदस्त और लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। मुझे तो बड़ा पसंद आया। ये देखो जी मेरा ट्राइपॉड एकदम पहाड़ जैसा ऊंचा है। जो मेरा पहले वाला ट्राइपॉड था वो इतना ऊंचा नहीं था, है ना शिव, इतना ऊंचा नहीं था वो जो मैंने पहले लिया, वो 700-800 के अराउंड का था, इतना ऊंचा भी नहीं था। और उसकी जो ये जो रॉड थी एल्यूमिनियम थी, वाइट वाली एल्यूमिनियम, और वो जल्दी मतलब वही लट खट 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 करने लगी थी। तो मस्त अब हम रील्स बनाएंगे इस पे, मजा आएगा। अब हमें कैमरा मतलब इधर उधर करने की वोड, कभी मैं ऐसे बॉटल के सहारे से रखने लगी थी आजकल, अभी कहीं रखती थी, बट ये कि हैवी है थोड़ा सा, ये कैरी करने के लिए थोड़ा सा बोझल रहेगा हमें। हमारे परिवार में हमसे ज्यादा लंबा आ गया कोई, हमारे फैमिली में हमसे ज्यादा लंबा कौन है, ये देखो मजा आ गया। अब तो अगर ऊपर से भी कुछ देखना हो ना, ऊपर भी शूट करना हो तो कैमरा लगा के कर सकते हैं। दिल से बता रही हूँ मैं, सच्ची बता रही हूँ, वरना मैं हाँ वर्थ इट वर्थ इट। ये देखो जी कैसा तूफान आ रहा है। तो ये देखो किस कदर तूफान आ रहा है, ये देखो बाल उड़ रहे सारे के सारे। नाचो नाचो, हाय करो, हाय हाय हाय। अप्रैल का बर्थडे आज है ना अप्रैल, मतलब आज भी है कल भी है, आज वैसे इसका बर्थडे है ऑफिशियल वाला, कल है प्रविष्टि वाला, कल सेलिब्रेट करेंगे, कल आपको दिखाएंगे प्रॉपर वीडियो अप्रैल के बर्थडे की। तो मैं अभी तक सोई थी और हर्षित गया खेलने, और ये देखो कैसा तुम्हारा मेरा फोन गिर जाएगा भाई। थोड़ी देर बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं, है ना अप्रैल। हर्षित कहाँ खेल रहा है, वो सामने इधर बच्चे खेल रहे हैं खो खो, और वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। खेल तो रहे नहीं है, लड़ ही रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये बॉल घूम गई शायद, मौसम कितना अच्छा हो रहा है, लेकिन हवा चल रही है फिजूल में ही। तो चाय वाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर, और अभी अभी जस्ट आया था अनिल जी का फोन, वो रामपुर पहुंच चुके हैं, कुछ सामान मंगवाना था मुझे उनसे, तो मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ, अभी आने ही वाले हैं। और हवा चल रही है बहुत ज़्यादा तेज़ बाहर। वो देखो जी मेरा फौजी पति झोला झोले के साथ आते हुए, पूरे 15 दिन के बाद थैला हाथ में लेते हुए, वो देखो आ गए। नहीं है ऑन करो ज़रा, ले आए सारा सामान। तेज पत्ता, ये क्या हो गया, ये आपको गिफ्ट दिया है जी, धन्यवाद। किसने दिया वो नहीं पूछेंगे, अंकल ने दिया, मकान मालिक ने। थैंक यू बोल दो एक बार कैमरे में, थैंक यू अंकल जी। हाँ गिफ्ट पैक है, बाद में ओपन करना। तो ये रही जी कौशिक जी, हेलो हाय कुछ तो बोल दो, हमने संभव कर दिखाया, चाय पी लो। समय हुआ 7:30 का, 7:30 बजे नहा धो के फ्री होके अब जाके लेटे हैं और अब पी रहे हम चाय। हर्षित अभी आया नहीं है, तो हर्षित अभी उसको पता तो है, उसको आगे दिन में आपने कॉल किया, पता तो था उसको, आजकल उसको बैटिंग का शौक चढ़ा है। बिल्कुल दाढ़ी बिल्कुल वाइट हो गई, ये वाली कटवा देनी थी ना आपने, पर ये तो अच्छी लग रही है। अगर आप आज नहीं आते, आज मैंने ऑफिशियली डिसाइड कर दिया था कि मैं फौजी की पत्नी कहलाई जाऊंगी। नाइफ लो ना वहां से, अरे आप करो ना, खा ले भाई खा ले, परमिशन। ये क्या बात होती, मैं खा रहा
ये इधर से ऐसे को करो, हाँ ऐसे, यस। देखिए तो सही कैसे कलम दिए हैं अंकल ने, तभी कह रही थी ना एक बार खोलने चाहिए। ये देखो ये एक सड़ा हुआ ना फिर खराब हो जाएगा, ये देखो बाकी तो अच्छे हैं ना सारे, ठीक है ये इसी में रख के पकेंगे, बट ये चेक करने पड़ेंगे कि खराब तो नहीं है। ठीक है ऐसी रखें ना, ये अगर इसी में रहता तो फ्रिज में जगह नहीं है अभी। हाँ दही वाले आलू, दही वाले आलू अनिल आपके हाथ के दही वाले आलू। हाँ ये क्यों दिया आपने, वो काट के दिया ऊपर से। वाह बेटा, मतलब वेस्ट नहीं करना, सड़ा हुआ भी वेस्ट नहीं करना। ये देखो जरा, ओह माय गॉड, इतना लाजवाब टेस्ट है ना इसका अनिल, बहुत टेस्टी है कसम से। सड़े हुए की वजह से टेस्टी था ये, नहीं भी पक गया था, ओवर राइप हो गया था। सड़ा नहीं था। मेरे को आपने सड़ा हुआ खिला दिया, मतलब कहने का ये है मजा आ गया, बहुत टेस्टी था। आप तो पूरी पेटी उठा के ले जाना ये, ठीक है। दही वाले आलू बना देते, दही दही उबालने नहीं, आलू उबाल देती हूँ, ठीक है। हाँ दही तो है काफी सारी। हाँ ठीक है, तो चलो खाना भी डिसाइड हो गया, दही वाले आलू मैं खाऊंगी, राइस इन दोनों के बनाऊंगी, चपाती। फिलहाल आज के इस ब्लॉग का कर देते हैं एंड, ट्राइपॉड के साथ। मैं बहुत खुश हूँ आज मेरा ट्राइपॉड आया है, पति तो हर हफ्ते आता है, ट्राइपॉड जिंदगी में एक बार आता है। तो चलिए देते हैं एंड, होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए रिलेशन कंप्लीट चैलेंजेस बेबीज ब्लॉग, फन एंड मस्ती, बाय बाय। हमारे फ्रिज में रखा है।